नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा भाई चुनीलाल यादव और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2021 और आज आए हैं यूट्यूब की तरफ से 5 नए अपडेट जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट की। चलिए, सबसे पहले नंबर अपडेट के बारे में हम बात करते हैं तो वो है यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर के। यूट्यूब शॉर्ट्स जो है फिलहाल इंडिया और USA में लॉन्च किया गया था, अब जो है पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया गया है। अब पूरी दुनिया के लोग जो है यूज करेंगे और मजे उठाएंगे, ठीक है। और दूसरे अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं, वह है डार्क मोड। पहले क्या होता था कि हम यूट्यूब को डार्क मोड अपने मोबाइल में सिर्फ यूज करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब क्या है कि आप डेस्कटॉप मोड में भी, अपने लैपटॉप में भी डार्क मोड का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप को ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। डार्क मोड में रहता था काफ़ी सब कुछ साफ साफ दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे डार्क मोड जब मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छी बात है कि आप लैपटॉप में भी आ गया बात है। और तीसरे अपडेट के बारे में हम बात करते हैं तो वो है यूट्यूब स्टोरी को लेकर के। जब हम स्टोरी डालते थे अपने यूट्यूब चैनल पर तो वो स्टोरी जो है कुछ नए सब्सक्राइबर के पास जाता था, कुछ अपने सब्सक्राइबर के पास जाता था, उसका एनालिटिक्स नहीं दिखाता था, ठीक है, हमारे मोबाइल में। तो अब क्या होगा कि उसका एनालिटिक्स अब आपके YT स्टूडियो में दिखाएगा, डेस्कटॉप पे भी दिखाएगा और आपके मोबाइल में भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा हमें अपडेट। तो भाई ये अपडेट तो उसी के लिए जिसके पास 10,000 सब्सक्राइबर है, स्टोरी टैब मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जो भी है ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे अपडेट के बारे में, तो वो है वीडियो कैप्शन। पहले क्या होता था कि वीडियो कैप्शन जो है हम लोग मैनुअली लगाते थे कि कितने टाइमिंग पे क्या हम बोल रहे हैं वीडियो में, कितने टाइम पे क्या वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आप ऑटोमेटिक वो कैप्शन लग जाएगा, आप उसको सेट कर दीजिएगा YT स्टूडियो में, ठीक है। ये अपडेट जो है अभी नहीं आया लेकिन आने वाला है। YT स्टूडियो में ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट में वहाँ से हो जाएगा। और सबसे लास्ट और पाँचवा अपडेट ये है चैनल परमिशन। पहले क्या होता था कि हम लोग जो है अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप से परमिशन देते थे दूसरे लोगों को, एक तौर से मतलब कि मैनेजर के रूप में रखते थे वीडियो वगैरह डालने के लिए, ठीक है, और कुछ काम के लिए रखते थे, ठीक है, मैनेजर, और उसको परमिशन देते थे अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप से, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आप जो है मोबाइल में भी दे सकते हैं परमिशन, अब बंदा जो है अपने मोबाइल से ही मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा लास्ट वाला अपडेट और बहुत मज़ा आया ये अपडेट में, ठीक है, कि आप मोबाइल से भी भाई परमिशन दे सकें, किसी को भी भाई कोई वीडियो अपलोड कर सकता है अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है तो, ठीक है। तो कुल मिला के सारे अपडेट मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये अपडेट आपके लिए कैसा रहा थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूँ। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।